दोस्तों आज के अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देख के जाना है। पूरा क्यों देख के जाना है? क्योंकि इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो बात होने वाली है आपकी फ्यूचर की, आपकी भविष्य की बात इस वीडियो में होने वाली है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप 20 से 25 वर्ष की उम्र के बीच में हैं तो ये वीडियो तो आपको पूरी ही देखनी चाहिए। अगर इस वीडियो को नहीं देखना है तो मत देखो, अभी स्किप कर दो, अभी बंद कर दो, नहीं तो देखना है तो पूरा देखना। देखो दोस्तों, आप जैसे इसका नाम तो सुने ही होगे, स्टॉक मार्केट, और कई लोग इसको बोलते हैं कि ये बड़ा जाल है। स्टॉक मार्केट एक बड़ा जाल है क्योंकि इसमें आप अपने पैसे जब कभी भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होता है। और ये सच्चाई है कि स्टॉक मार्केट में अधिकतर अगर आप देखोगे तो 90% लोगों का लॉस होता है। ये मतलब एक डेटा है, केवल स्टॉक मार्केट से 10% ही लोग अर्न कर रहे हैं। अब इस वीडियो में जो बात होने वाली है उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ईमानदारी से आपको जवाब देना है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डिसलाइक करिएगा, अनसब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लेकिन एक एक जेन्युइन प्रोस्पेक्टिव होता है ना, जो 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 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं उसका आप सही उत्तर देके जाइएगा, है ना। बेवजह गलत उत्तर मत दीजिए, क्योंकि आप अगर गलत उत्तर दोगे तो अपने आप को धोखा दोगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, बात ऐसी है कि अभी आपकी एज इतनी है, ठीक। आप कई लोग अभी, जैसे कई लोग मान के चलो स्कूल तो खैर क्रॉस हो गया होगा, लेकिन कई लोग स्कूल में रहते हैं, मान लो 18 से भी अगर देख लो तो कई लोग स्कूल में रहते हैं, कई लोग अभी कॉलेज में भी होंगे, है ना, कई लोग कॉलेज में भी होंगे। स्पेलिंग थोड़ा गलत होता है क्योंकि बोलने और लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो इस एज में अभी अभी आप देख लो जॉब की कितनी ज्यादा समस्या हो गई है। लगभग जॉब ऐसा लग रहा है कि अब खत्म ही होती जा रही है, हमारी गवर्नमेंट तो अब ऐसी है कि और खत्म ही करती जा रही है जॉब्स। तो अगर जॉब की ये स्थिति है, ऐसे में अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको क्या लगता है ये फायदा नहीं देगा? लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अभी देखो 90% लोग अपना लॉस कर रहे हैं, तो आप अगर ये चीज करते हो तो आपको भी लॉस होगा। चलो ये एक तथ्य हो गया। ये दूसरी चीज, जैसे मान लो आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल में जब स्ट्रेंथ थी 50 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, तो क्या 50 में से सारे बच्चे पास हो जाते थे? पहली चीज। कॉलेज में आप गए, कॉलेज में मान लो एक क्लास में स्ट्रेंथ रही आपकी 30। अब क्योंकि कॉलेज में सेक्शन, हालांकि स्कूल में भी सेक्शन रहते हैं A B C, तो एक एक सेक्शन में आपका केवल 30 बच्चे थे। अब इन 30 बच्चों की बात अगर मैं करूं तो क्या इन 30 के 30 बच्चों में सबके सब क्या पास हो जाते थे? अब आप बात कर लो चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे आप बात कर लो BCOM की, चाहे आप बात कर लो BCA की, BSc की, चाहे किसी भी चीज की, तो क्या सब पास हो जाते थे? क्वेश्चन। इसके आगे आपको उत्तर देना है, इसके आगे आपको उत्तर देना है क्या है? और अगर यहीं पे जब कुछ लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि सभी लोग पास हो जाएंगे? ठीक है, सभी लोग पास हो जाएंगे। अब मैं सवाल पूछता हूं, जो 10th में थे स्टूडेंट्स, 12th में थे स्टूडेंट्स, या फिर आपके कॉलेज में थे स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये लोग रीडिंग किए, ठीक है, ये सभी लोग रीडिंग किए हैं, तो क्या ये लोग पास नहीं हुए हैं? इसका उत्तर आपको देना है, क्या ये लोग पास नहीं हुए हैं? कितने परसेंट? अगर मान के चलिए 50 की स्ट्रेंथ थी, 50 में से अगर मान के चलिए 40 भी पढ़े हैं, मैं बता रहा हूं, अगर 40 भी पढ़े हैं, 40 में तो कुछ नहीं, 30 तो पास होंगे ही ना। इधर 12th, अब कॉलेज की बात अगर करूं, कॉलेज में 30 बच्चे थे, 30 में से अगर मान लो, मैं मान के चलता हूं चलो 20 पढ़े, तो 20 में से 15 तो पास हुए ना। अब बाकी लोग जो पढ़े नहीं हो तो खैर आप जानते हो फेल हो गए, और जो पढ़े तो एक आध दो फेल भी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब जो ये लोग पास हुए हैं, तो ये लोग कैसे पास हुए हैं? ये लोग क्योंकि रीडिंग किए, अच्छे से पढ़ाई किए, उसलिए पास हुए। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप आओगे, आप रीडिंग करोगे, तो क्या आप पैसा नहीं बना पाओगे? क्या लगता है आपको? मानता हूं कि चलो मान लो 10 लोग आए हैं, 10 में से 5 लोगों ने रीडिंग किए हैं, तो उसमें भी मान लो 2 लोग सफल हुए या 1 लोग सफल हुए, लेकिन ये तो देखो कि सफल तो हुए ना। मेन मोटिव क्या है? सफल तो देखो, आज की स्थिति ये है ना कि मैं सच बता रहा हूं आपको, लोग ध्यान से चीजें पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। जो ये जो फेल जो हो रहे हैं ना, इन लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, या कहीं ना कहीं कमी जरूर होगी तो ही फेल हो रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग कैसे पास हो रहे हैं भाई?
उसके पास भी समय मतलब 24 घंटा है, आपके पास भी समय 24 घंटा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप फेल हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलती तो कर रहे हो, आप अच्छे से तो नहीं पढ़ रहे हो। अब एक 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 समस्या ये है कि जब से हमारे मतलब इंडिया में आप देखे थे लॉकडाउन लगा था तो जॉब की स्थिति खराब होती गई है, जिनकी जॉब थी उनकी जॉब भी चली गई है और अब वो लोग स्टार्ट कर दिए हैं बिजनेस अपना, कई लोगों का बिजनेस चला है, कई लोग डूब भी गए। मेरे सामने की बात है, कई लोगों का मतलब अच्छा खासा धंधा चल रहा था, उनका धंधा डूब गया है। कई मतलब अगर सही से बोलें तो बहुत कम ही लोग हैं जो इस लॉकडाउन में ऊपर उठे हैं, अधिकतर लोग तो इसमें नीचे ही गिरे। और अब जो स्थिति होती जा रही है, 2024 की बात करूं, 2025 की बात करूं, तो मैक्सिमम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम अपना बिजनेस डालें, क्योंकि पढ़ाई के भरोसे रहना और उसके बाद आपको जॉब मिल पाना अब लगभग लगभग मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे में अगर मैं आपको बोलूं कि आप आओ और स्टॉक मार्केट के बारे में आप सीख लो। देखो, आपकी एज अगर 20 से 25 या 20 से 30 या फिर 18 से 30 के बीच में भी है ना, तो आपको ये चीज़ सीखनी ही चाहिए। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अभी पैसा लगा दो, नहीं, आप अभी पैसा मत लगाओ। आप स्टॉक आपकी आपकी एज आप देख रहे हो, आपकी एज मान लो 18 से 20 है, इसके बीच में है आपकी एज, तो आपके पास बहुत मतलब ये इसी को बोलते हैं देखो परम धन। अगर आपकी एज कम है ना तो सबसे बड़ा परम धन यही है। क्यों यह है सबसे बड़ा परमधन? क्योंकि देखो, आप आज से सीखना शुरू करोगे, आज से आप सीखना शुरू करोगे, जब आपकी एज 20 से मैं मान के चलता हूँ, आपने अगर 3 साल भी दिए तो आप हो जाओगे 20+3 23 के। आप जब 23 के हो जाओगे तो आप अपने आसपास देखना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप अपने आसपास के लड़कों को देखना, लड़के 20 साल में भी उतने ही रहते हैं, अगर वो 21 में होंगे तो भी वैसे ही रहेंगे, 22 में होंगे तो भी वैसे ही रहेंगे, 23 में अगर जाएंगे मतलब वैसे कैसे, इसके मामले में नॉलेज के मामले में 20 को भी उतना ही, 21 को भी उतना ही, 22 को भी उतना ही, और अगर 23 में जाएंगे तो 23 में भी उनका नॉलेज उतना ही रहेगा। उल्टा आजकल के लड़कों में मैं देखा हूं कि मतलब सिगरेट पीने की आदत, गुटखा खाने की आदत, ये सब आदत लग जाती है, तो 23 में जाते जाते वो लोग और बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपने 20 साल से अपना मतलब स्टॉक मार्केट का करियर शुरू किया, सिर्फ मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, आपने 20 साल से शुरू कर किया सीखना, आप जब 23 तक पहुँचे तो आप इसको स्टॉक मार्केट को कितना सीख लोगे, आप ये सोचो। सिर्फ आपको एक भी रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ध्यान देना है इस पे, लर्निंग पे। उसके बाद जब आप 23 के हो जाओगे तो ठीक है, अगर जॉब मिली तो छोटी मोटी जॉब पकड़ लेना, ऐसा भी नहीं कि जॉब नहीं है, पकड़ना चाहो तो पकड़ सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत पैसे आप सेव करके भी रखना। लेकिन 23 में जब जाओगे, एक लड़का अगर यहीं पे है 23 का जिसको कि नो स्किल है, आप यहीं हो 23 के जो आपके पास एक स्किल डेवलप हो गई है, तो आप सोचो अपने आप को कहाँ देखते हो, आप उससे बहुत बेटर हो, ये कुछ भी नहीं। तो जब आप लर्निंग करके किसी फील्ड में उतरोगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आप कुछ ना कुछ गलतियां करोगे तो गलतियों से सीखोगे, लेकिन अगर इसमें आप देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें आप हारता वही है जो काम चोरी करता है, हारता वही है जो काम चोरी करता है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप मेहनत करोगे ना तो ईश्वर आपको आपकी मेहनत का फल देता ही देता है। आप अगर यहाँ मेहनत कर रहे हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इसका फल यहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको इसका फल मिलेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मिलेगा ही मिलेगा, ये बिल्कुल 110% सच है ये बात। अगर आप 10% मेहनत कर रहे हो तो नेचर आपको इसका दुगना लौटाती है, मतलब आपको लौटाएगी 20%। आप अगर अपना 100% दोगे तो नेचर आपको उसका रिटर्न देती है 200%, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन आपको इसके लिए ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा, ईमानदारी से मेहनत करो, टाइम दो, उसके बाद सीखो, और सीखने के बाद आप फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, अब मैं मेन अपने मुद्दे पे आता हूँ और आपसे बात करता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जो ये स्टॉक मार्केट है गलत है? क्या आपको लगता है कि इसमें सबके पैसे जो हैं केवल डूबते ही हैं? क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि 20 साल के लड़के या 18 साल के लड़के या फिर 25 साल के लड़के जो भी हैं स्टॉक मार्केट को नहीं कर सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन का आप मुझको कमेंट में ज़रूर आंसर करें।
और क्या आपको लगता है, आप ये भी बता देना मुझको, कि जॉब अब बची हुई हैं हमारी इंडिया में, इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि अगर आप एक स्किल सीख लोगे एक्स्ट्रा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा स्किल सीख लोगे जो, तो उससे आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है? और सबसे मेन बात कि ये अपना जो है जेन्युइन भी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, ये सारा चीज़ सरकार के आंखों के सामने हो रहा है। तो आप मुझको ईमानदारी से इन सभी चार पांच जो भी क्वेश्चंस हैं इसका आंसर कमेंट में दीजिए, उसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो बना के बात करूंगा कि कैसा क्या स्थिति है, और इसको और हम लोग गहराई में ले जाके बात करेंगे ताकि आप अपने फ्यूचर को और अच्छे से देख पाओगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, जिसको पसंद नहीं आई है बाकायदा आप डिसलाइक करो, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है, वैसे अगर आप यहाँ तक आए हो तो बिल्कुल पसंद आई ही होगी, कि इस जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछा हूँ इन सभी का आंसर आपको ईमानदारी से कमेंट में देना है, क्योंकि ये बहुत, मैं देख जो छोटे बच्चे हैं उनकी हेल्प करेगी वीडियो इन फ्यूचर में या फिर अभी भी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।